हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो सभी महिलाओं के लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महिलाओं को योनि से निकलने वाला सफ़ेद पानी या छेद पदार्थ जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। तो इस वीडियो में आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहें क्योंकि हम वो सब बातें डिस्कस करेंगे जैसे ल्यूकोरिया क्या होता है और क्यों होता है, ल्यूकोरिया होने के सिम्टम्स क्या हैं और ल्यूकोरिया है तो क्या खाना खाएँ और साथ ही साथ कौन सी दवा लें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। ल्यूकोरिया को सामान्य भाषा में सफ़ेद पानी या छेद पदार्थ भी कहा जाता है। ये महिलाओं में होने वाली एक आम बीमारी है। इसमें योनि से सफ़ेद रंग का गाढ़ा और दुर्गंध पानी निकलता है। किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर सर्व पीला, हल्का नीला या हल्का लाल रंग का बहुत चिपचिपा और बदबूदार होता है। अब बात करते हैं ल्यूकोरिया क्यों होता है। खराब जीवन शैली, खान पान या शरीर की सफाई ना रखने से महिलाओं को होने वाली छेद पदार्थ जिसे हम ल्यूकोरिया कहते हैं उसकी समस्या आम है। 70% महिलाओं को 25 से 30 साल की उम्र के बाद ल्यूकोरिया की समस्या होने लगती है, जबकि 30% महिलाओं में ये दिक्कत कम उम्र में ही हो जाती है। लंबे समय तक ल्यूकोरिया कैंसर का खतरा बढ़ता है। ल्यूकोरिया में योनि से सफ़ेद पदार्थ निकलता है। तो अब बात करते हैं ल्यूकोरिया के सिम्टम्स मतलब लक्षणों की। योनि मार्ग में तीव्र खुजली और चुनचुनाहट होना, कमर में दर्द बना रहना, कमजोरी महसूस होना और चक्कर आना, बार बार पेशाब आना और पाए में भारीपन बना रहना, भूख न लगना और जी मचलाना और आँखों के नीचे काले घेरों का पड़ना, मानसिक धर्म से पहले या बाद में सफ़ेद चिपचिपा सर्व होना इस रोग के लक्षण हैं। इसमें महिलाओं का चेहरा पीला हो जाता है। इसके अलावा स्थिति तब और भी गंभीर बन जाती है जब धीरे धीरे जवान महिला भी इस समस्या के कारण ढलती उम्र की दिखाई देने लगती है। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा पूरा हुआ। तो अब बात करते हैं खाने में क्या खाएँ। तो ऐसी समस्या में आप ले सकते हैं पुराना शाली चावल, दलिया, बाजरा और पतली खिचड़ी। इसी के साथ आप दालों में ले सकते हैं मूंग, मसूर और काबुल चना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आप लें बथुआ, छोले, पालक, लौकी, पपीता, सेब, अनार, अंगूर और पका हुआ आम, छुआरा, अदरक, हरा धनिया। सीजनल वेजिटेबल्स मतलब मौसमी सब्जियां। तो अब बात करते हैं इस रोग के लिए कौन सी दवा लें और कहाँ से लें। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आप मेरी अगली हेल्पफुल वीडियो ज़रूर देखें। तो उस दवा का नाम ल्यूको30DS है। ये दवा महिलाओं की वाइट डिस्चार्ज मतलब सफ़ेद पानी की परेशानी को दूर करने में काम आती है। और कुछ लोग ज़रूर ये सोच रहे होंगे कि आखिर इस दवा में ऐसा क्या है। तो इस दवा में है यष्टिमधु, पीपला मूल, शीघ्रू, सुपारी, नाग केसर, अशोक चाहल, दाशमूल, जटामासी, त्रिफला, शतावरी, अनंतमूल, चंदन, कौच बीज, अश्वगंधा, गोखुर, लोधरा, कुकदंतक, भस्मा जैसी जड़ी बूटियां हैं। और इसी के साथ ये दवा 100% आयुर्वेदिक है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, तो ये दवा बिल्कुल सेफ़ है। इस दवा को आप खाना खाने के आधा घंटे बाद गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। इसे आपको एक महीना लेनी है। 7 दिन में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। एक बॉक्स में 60 कैप्सूल हैं जो 30 दिन चलेंगे। बस आपको कोशिश ये करनी है कि इसे बिना गैप के साथ लें। इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम के साथ। ये आपके पास 4 से 5 दिन में पहुँच जाएगी और इसे आप अमेज़ोन से भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।